जेड़ा तेरा प्यो ना ओ बहुत सेदबाजी की खलोता ते ओ आंदा मैं रिश्ता देवा तो मैं देवा रियाज नो ते मेरी धी मैं आनी है मेरा जेड़ा बनया ना जब गरीब भी है ना ओ मेरा बनया बहुत चंगा है ते नाले मजदूरी मेहनत आला बंदा मैं आनी है मेरे बने आल तेरा रिश्ता हो जाता ना मैं सुखी हो जाती ते जेड़ा रियाज है ना रियाज बंदा छेड़ू मैं कोई मालूम होता ते बहुत जेद लाई खलोता जो मेरी धी तू राजी हो जावे ना तो मैं मुड़ होर अल्लाह तो मैं की लैना जो तेरा राजी ना हो मुड़ तो मैं तेरे प्यो ने गल कर सकनी हाँ जो तू राजी ना हो तो मुड़ मैं की करनी उन्हें गल हूँ गल तो सारी तेरे उत्ते मुकनी है मेरी दे अम्मी गल तो तेरी सही है रियाज जिहड़ा पितरेर है वह मैनू पता है शुरू तू जानती हाँ मैं वह शराबी कबाबी जिहा बंदा है तो मैनू वह एतबार भी कोई नहीं उस रिश्ता लेना भी है तो जिद चाह के लेना सही गल है तो जो मेरा मसेर है ठीक है जो जी भी हालात है मजदूरी तो करता है मेहनत करने वाला बंदा है ना औखिया तो कोई नहीं करता ना मैनू उसके औखिया करना वो तो चावा नाल पे ते शमका नाल हाँ वो रिश्ता लेना भी है उस तो शौका नाल लेना मेरी इधर तो कोई ना कोई नहीं पितरे नाल तो मेरा मेरा खुद का भी कोई दिल नहीं मैं पढ़ी लिखी हाँ पढ़ लिख के भी मेरा रिश्ता हो जाए जंगली अच्छे मेरा की फायदा मेरी जिंदगी का पहले तो मेरा दिल है कि मैं बिरादरी से शादी करनी कोई नहीं लेकिन थोड़ी जिद है कि अपनी बिरादरी करना तो अपने करीबी रिश्तेदार करना है तो मसीर का रिश्ता मैं चंगा लगता है बाकी है थोड़ी अपनी मर्जी ठीक है तेरा प्यो आंदा ना उन मैं गल करनी हाँ अज हाँ है ना अज उन मैं गल करनी है ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੀ ਬੋਰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਲੜੀ ਨਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰੀਵਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਲਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਝਟ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਰਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਹਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਹਿ ਜਾ ਸਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿ ਜਾ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ वालेकुम अस्सलाम जनाब लतीफ क्या हाल है भाई जान ठीक ठाक है तुम्हें तो सब ठीक है बिल्कुल खैर खरी है खैर अल्लाह पाक का एहसान तू सुना ठीक है बस तभी तो से तेरे रंग तो नहीं उदारियां तो नहीं गुजारा हो जाता है अगले नहीं रहे तरह ना ही ना ही कोई नहीं सही है एक यार तो गल पूछनी लतीफ दो पूछो मैं सुनया भाई रिमशा का तुम रिश्ता मंगते वे मैं तो कोई नहीं पता घर पता मैं तो कोई नहीं इस गल का पता पा लिया मैं पता एक और नहीं चलो ना पता भी तेरी मर्जी लेकिन मां प्यो नु आखी ते तू ही सुन ला ओ रिश्ता मंगन जावे आई कोई ना अल्लाह दे बंदा मेरी गाल सुनो ਗਾਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੀ ਸਹੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਲੇ ਬੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਵਣੇ ਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ठीक है गाल मेरी सुनो मांग तेरी नहीं अगे लवामु या ना लवामु गार्डन प्रोग्राम हाय अच्छा। तो हुन मैं रिश्ता लेके खलोने अच्छा हां हुन मैं रिश्ता लेके खलोने भला किवें तू अपना वज्जु वरियाम ते आके तो सानू एन का भी कहना ते डराइना वाह ठीक है हां लेकिन मैं ते टक्कर पुसा मैं उने रिश्ता लेके खलोने चाह बनाई करमा लिये
थको आ भी बहु आसो ते सारे थकेड़े आई ला छड़े नहीं आई हो जी चाह नेत बना के मैं पिवाई रखी कार आज थकेड़े दूर हो गए सारे आज दिया पट्ठे बारिशा होंदिया रही पट्ठिया बड़ा थको आसो आज सुख दे बारिशा सिर्फ इत्थे तने पै गई दुआ मुलखी वड़ के लिया पट्ठे बारिश दे विच तो अनवे कोई नहीं वड़ ला बारिश पट्ठे हर को वड़दा रह जांदा इत्थे ही बारिश टट्टी खलोती है ते किसे वेले घर भी बह रहा कर समझीगा जिसले पाओ पट्ठिया टुरया कदी कदाई टुरया कि दो मिनट सानू दिता कर ते घर सकून किता कर को बंदे दुख सुख की करनी होंगी घर दे विच को नीवी उच्चवी गल करनी होंगी दुख सुख केड़ा वंडना होंदा तू गाल कीती करेगा खोल के दुख सुख गोल मोल अगली बेरी तो गोल मोल गाल कीती रखी आ कोई बंदा खोल के गाल कर लैंदा है वाह और मैं तैनु खोल के गाल करूं हां ए मैं तैनु गाल करूं हां करमा आलिया भाई साडी धी जवान है ते माया ने तो अगे आख्या होया भतरीन मैं रिश्ता देना ते मेरा भी ओदे दिल को तेरे भतरी आल माया तानी मेरे बड़े नु दे चा चंगा रह जासे ओदे ना छेर दी जिंदगी गाल बनया बनया यूक्रेनी निकम्मे बंदे हैं किसे ने खाते दे मेरे भतरीए तू जाननी है मैं जाननी है तेरे भतरीए ने चरसी हफीमी कदी किदाई थाने पद्दे पैन कदी किदाई पद्दे पैन कदी कचहरी आंदे ने कदी थाने चोंदे अठे टाइम उना दे झगड़े ते जाड़िया नहीं जांदे समझी ओयो मुलाक दे जेड़े मुकइंदा वदोंदा तैनू आप यो आप जांदा हां हां जेड़े मुलाक दे जेड़े ओ काला मैनू पता मैं तेरे पेक्याल नु पाट के एक लूं भी देना तेरे सहने च गलत फहमी एयो जिया सोची भी ना मैं देनी है ते मैं अपने बतरीए देनी है ओ कमलिया साडी दीवी ए दे राजी है मेरे बणे आल तू पागल ना बाण ते दे चछेर ओ दे अपने मेहनत मजदूरी करके रोटी ला के खांदे पैन इस गल तो अपना घर भी पंजाब बना है ये तेन मैं दस लव मैं पाट के उन्होंने लूम ही देना खांदी मैं तानिया मेरे आखे लागते छुएर ओदे दे मैं ओदे कायनू देनी जेड़ा मेरा अटल फैसला मैं बग्गी दाड़ी नाल मैं उनानु दे छड़ी है मैं ओदे ही देनी तेरा अटल फैसला ना तो मेरा भी अटल फैसला मैं छुएर ओदे कोई नू देनी गल समझी अना तू ही कीती खोता खीर ओना नशिया ते चरसिया फिमिया नू मैं कोई नू देनी ओयो मुलाक दे जेड़े मुकेंदे वदे हुंदे ने के तेरे हां हां मैनू पता जेड़े मुलाक दे जेड़े मुकां देना अच्छा सिर ना खा मैं तो घर आया जाट सकून करे सा ते ओ भी तो मेरा जीना हराम कीतो है दे राती ओ मैं तेरा किवें जीना हराम कीतो होया तैनु गल करिंदी है तैनु पुट्ठी लगदी है तैनु बकरी वाली बहु पी लगदी है क्यों खपते पे ओ की होया की बणया बुझ की होया इत्थे बाय ने मेरा पोत्रो मैं तैनु सारी गल समझाइना ए आंदी है मैं देना रिश्ता तेरा बणया नु उन्होंने एक टाइम तो पूरा लभदा नहीं उन्हें तेरा खर्चा कितों पूरा करना मैं तेन लिखाया पढ़ाया कितने तेरे उत्ते मैं खर्चे किते तेरी नौकरी लग जासी जेड़ी तेरी तनख्वाह होनी है वह तू मुड़ नान खबाइंदी रही आप मुड़ और मेरे हाल बात जा अब्बा मेन कपड़े ला दे जुत्ती ला दे चौबी घंटे भुख नची हुई है उन्हें की तेरे खर्चे करने ते की तेन करना अबू जी ये थोड़ी सोचना सही नहीं है उन्होंने बारे अम्मी कोई गलत गल नहीं करती पई अम्मी भी सोच समझ के ही गल कीती है तुहानू क्योंकि ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है मैं जिंदगी गुजारनी है शादी करनी कोई छोटी गल नहीं है वो चलो मेहनत मुशक्कत करने वाला है मैनू खवा सकता है उस तो बाद मेरी भी लग जानी है नौकरी मैं अपना कर कमा सा ते ओ तुहाडा भतरिया वो किसी खाते का भी कोई नहीं कोई तो उहदा कोई चंगा विखाओ ना कोई चंगा काम किया हो कभी सुनिया हो मैं तो कभी नहीं सुनिया ओ मेरा पोत्रो सी लाट क्या बंदा होता है शराबी ओदे दोस्त है जवारे भी ओदे दोस्त है कदी तरीका बुकते ना ओदा होता है कोई चंगा काम है सही तुसी मेनू दसो केड़े खाते तुसी मेनू ओदे परनावना भाई ए तो सोचो तुसी ए मेरा पोत थोड़ा मामा दियां दा दिमाग नहीं ठीक हो हां साडा नहीं दिमाग सही तेरा दिमाग सही है जेड़ी असी गल करिया साडा दिमाग नहीं सही हो जांदा क्यों खापया ने आ गया लगते भड़कावण वासे शैतानी खोलण वासे आ जांदा
मेरे भतरीये नाल एडी बदतमीजी नाल गाल नहीं करिंदी। मेरा खून है, मेरा भतरीया। ते भतरीया 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 आली करके लंदा करे ना ते बंदिया रीत आया करे जे सलेया ने शैतानी बाजी ते हो के आ जांदा। तैनू समझो लाउण की आख लिया आवे बंदा तो कोल चाह पानी पुछिंदा कगू दी बिस्ती करे लाग जवी ना की लों दी बिस्ती कीते मैं आवे ते मैं ते पैनिया बंदिया रीत आवे ते शैतानी तू खलो रवे। अबू जी अम्मी नाल ना खपो ना लड़ो ठीक है राव कोई गल नहीं उल्टी गल कर दी पाई समझ आई ना। रिमशा क्यों लड़दे पैन रियाज जी बिस्मिल्ला है तेरा अपना घर है तू आ लख वारी आ लेकिन इस काम वास्ते कभी भी ना आवी कि मैं तेरे नाल शादी करता ठीक है ना। ये ख्वाब ये ख्याल अपने दिमाग को काट दे ये तेरा ख्वाब ही रह जाना है ये तू जी शैतानी लाई हुई है ना ये छड़ दे। मैं तेरे नाल कभी भी नहीं शादी करनी मैं कर सा तो अपनी अम्मा की अपनी मर्जी नाल कर सा। हाँ अगर मगरू लाया होने थे की वे ना पैं तो निकाल जा मुकाश छड़ी है तगा बंदा रहा होना ये दी बात तमी जिना तो क्यों के नहीं बोलना आज तो मान जो मेरी जड़ी इधर थोमनी आई ना वो मेरी उन आप करना सुनी खोता है ते इंदा वास्ते मैं तेरे बुआ तो नहीं आवना ठीक है मेरी इधर मार की जड़ी बढ़नी है सानू को नहीं लोड तेरी और आप भाई हरकत तू खलो रहो है आज तेरी वजह तो मेरी बिस्ती हुई है समझ आई है तेरे नाल मैं उदो गाल मुकाई आई बे काम मैं करा के ही खलोवना मैनू शाक पमदा तो है ना आता तो नहीं खलोवना मैं समझ नहीं खलोवना मैं ना आता तो उन खलोवने तो मैं नोट पर ले ले कर दी तेरा पता रिमशा रिश्ता लेना रिमशा इत्यों रिश्ते मंगदा रहो उम्मीद है भी हुण जिहड़ी तेरी मार पाए गई है ये हुण तेरी सात नस्लां नूं याद रह सी गई जे कुछ इंसान दी बच्ची होई है तो तेनूं एक मार भुलदी नहीं आई समझो जे तू मेरी धी नाम दी तो मैं तेरा हुणी घोट बार चढ़ना इन्ना नहीं वास्ते तो मेरी धी दा नाम नहीं लेना बे मैं उत्ते दे हां चाचू की ना जिंदा जड़ा रियाज नहीं हां हां जड़ा मलांगे उन भाई ये मार देता इसो हो आले होन तू रज गया होन तेरे हाथ ठंड पे गई है तू इयो चांदा भाई वो मरी जावा इसे गल वास तू राजिया ओ शाला थोड़ा बेड़ा कर को शाला थोड़ी दूर पटी जाओ इया कार होनिया थोड़े नाल जेड़ी हो गई ने आई समझो समझ मैं समझाइंदा रहा भैया चांदी हां जड़ा रियाज है ना हां ओ ना पुलिस डाले गद के ले जांदे नी हां असलामुअलैकुम दिस इज़ मी रिमशा सैंड वेलकम बैक जी कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को ये हमारी जो आज की बनाई हुई स्टोरी है ये भी आपको पसंद आएगी। देखिए आप हमारे माशरे में किस तरीके की यानी कि जाहिलियत है कि एक वालदैन जो है वो अपनी बच्ची का यानी कि सलूक के साथ बैठ के एक ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। और आज आपने देखा कि क्या हुआ, एक इंसान जो है वो कत्ल हो गया और एक जो है वो जेल चला गया। जाहिर है उसको भी सजाए मौत हो जानी है एक ज़िद की वजह से, यानी कि एक बंदे ने अपनी जान यानी कि दे बैठा और दूसरा जो है वो जेल चला गया। यानी कि ये क्यों होता है, हम आपको बार बार बताते हैं कि ऐसे गलत फ़ैसले क्यों होते हैं। ये होते हैं तालीम की कमी की वजह से, क्योंकि पढ़े लिखे माशरे में ऐसे काम नहीं होते हैं। अब देखिए एक बच्ची की ज़िंदगी का अगर वो फ़ैसला दोनों बैठ के सुलह से रजामंदी से कर लेते तो ये तो काम ना होता ना। ये ज़िद में आके जो उसने आके कत्ल कर दिया और दूसरा खुद जेल चला गया, ये काम ना होता, ये उल्टे काम ना होते। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाई की तरफ लेकर आए, क्योंकि आजकल जो है ना माशरे में इतना यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राबी फैलती जा रही है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को सुनने को मिलती है। अब ये गलत फ़ैसलों की वजह से लोगों की जानें भी चली जाती हैं। आप लोगों को बार बार बताते हैं कि जितना हो सके अपने बच्चों को ना पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ और जो बच्चियों की जो ज़िंदगी का फ़ैसला है वो दोनों की, ज़ाहिर बेटी जो है वो
बाप की भी उतनी है, माँ की भी उतनी है, तो दोनों का हक बनता है ना। तो आप लोग सुलह से अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करें, अच्छा घर बनाए। तो यही चीज़ हमने आपको दिखाई है कि इन चीज़ों से बाज आ जाए। अगर आपको हमारा ये मैसेज भी और ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो इसे आपने लाजमी आगे शेयर भी करना है, दूसरों तक भी पहुँचाना है, लाइक भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं आपने। और एक बार फिर जी जाते जाते बाटा प्रोडक्शन ऑफिशियल जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।